स्टूडेंट, हिमानी टॉपिक के अंतर्गत आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिमानी निर्मित स्थल आकृतियाँ। इससे पूर्व वाली वीडियो के अंतर्गत हम हिमानी का अर्थ, हिमानी के प्रकार तथा हिमानी के कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं कि हिमानी किसे कहते हैं, इनकी हिमानी से तात्पर्य हिम की नदियों से है। जब हिम की एक निश्चित राशि ढाल के अनुरूप एक निश्चित दिशा में गति करती है तो उसे हम हिमानी के नाम से जानते हैं। हिमानी के कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं, हिमानी के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अध्ययन करेंगे हिमानी निर्मित स्थल आकृतियाँ। तो हिमानी निर्मित स्थल आकृतियों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। हिमानी निर्मित स्थल आकृतियाँ, निर्मित स्थल आकृतियाँ, हिमानी निर्मित स्थल आकृतियों का दो भागों में हम अध्ययन करते हैं। पहला है अपरदनात्मक स्थल आकृति। अपरदनात्मक स्थल आकृतियां दूसरी है निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियां। निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियां यानी हिमानी के द्वारा दो प्रकार के स्थल आकृतियों का निर्माण किया जाता है, अपरदनात्मक स्थल आकृतियां और निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियां। अपरदन के द्वारा यानी कि हिमानी जब हिम क्षेत्रों में अपरदन करती है तो अपरदन के द्वारा भी वहां के स्थल रूप में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उनसे निर्मित जो स्थल आकृतियां होती हैं उन्हें हम अपरदनात्मक स्थल आकृति के नाम से जानते हैं और जब हिमानी निक्षेपणात्मक जो स्थल आकृतियां निर्मित करती है उन्हें हम निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अर्थ मैं आपको बता ही चुकी हूँ अपरदन का अर्थ क्या होता है और निक्षेपण का अर्थ क्या होता है। अब हम अध्ययन करेंगे अपरदनात्मक स्थल आकृतियों का कि अपरदनात्मक स्थल आकृतियों के अंतर्गत कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, अर्थात हिम क्षेत्रों में हिमानी के द्वारा जब अपरदनात्मक स्थल आकृतियों का निर्माण किया जाता है तो किस प्रकार की स्थल आकृतियां बनती हैं। तो सबसे पहला है घाटी। हिमानी जब हिम क्षेत्रों में अपरदन करती है, अपरदनात्मक कार्य करती है तो पहली स्थल आकृति का निर्माण होता है, वो है घाटी। घाटी किस प्रकार से घाटियों का निर्माण करती है, तो देखिए जब हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है तो वो घाटियों का निर्माण करती है और मुख्य रूप से हिमानी के द्वारा दो प्रकार की घाटियों का निर्माण किया जाता है। यानी जब हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है यानी जब हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है तो नीचे उतरने पर घाटियों का निर्माण करती है और हिमानी के द्वारा मुख्य रूप से दो प्रकार की घाटियों का निर्माण किया जाता है। कितने प्रकार की घाटियों का निर्माण किया जाता है, दो प्रकार की घाटियों का निर्माण किया जाता है। दो प्रकार की घाटियां कौन कौन सी हैं? यू आकार की घाटी, पहली है यू आकार की घाटी। किसे कहते हैं यू आकार की घाटी? यू आकार की घाटी देखिए जब हिमानी घाटियों से या जब हिमनद घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं, जब हिमनद घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं तो वो मुख्य रूप से तीव्र ढाल वाली जिनका आधार सपाट और चौरस हो ऐसी स्थल आकृति या ऐसी घाटियों का निर्माण करते हैं। ऐसी घाटियों को हम यू आकार की घाटी के नाम से जानते हैं क्योंकि इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान दिखाई देता है। यानी कि जब हिमनद घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं तो तीव्र ढाल वाले जिनका आधार सपाट व चौरस होता है
घाटियों को यू आकार की घाटी कहते हैं। क्योंकि इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है, अर्थात घाटियां दो प्रकार की होती हैं। यू आकार की घाटी पहला हम अध्ययन कर रहे हैं। यू आकार की घाटी जब नद घाटियों से होकर प्रवाहित होते हैं तो वो तीव्र ढाल वाली जिनका आधार सपाट और चौरस हो ऐसी घाटियों का निर्माण करते हैं, और ये घाटियां देखने में अंग्रेजी के यू अक्षर के समान दिखाई देती हैं, इसीलिए इन्हें हम यू आकार की घाटी के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा लटकती घाटी। घाटियों में दूसरा प्रकार है लटकती घाटी। किसे कहते हैं लटकती घाटी? लटकती घाटी का मतलब होता है जब किसी मुख्य हिमनद में से, यानी कि जब मुख्य हिमनद में से अन्य कोई हिमनद पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरते हैं तो दिखने में लटकते हुए प्रतीत होते हैं ऐसी घाटियों को लटकती घाटी के नाम से जानते हैं। यानी कि जब किसी मुख्य हिमनद में से अन्य कोई हिमनद पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरते हैं तो वो लटकते हुए से प्रतीत होते हैं, ऐसे हिमनद को हम किस नाम से जानते हैं? लटकती हुई घाटी, या इसे हैंगिंग वैली के नाम से जानते हैं। तो हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूपों में हमने अध्ययन किया घाटी, जब हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है तो घाटियों का निर्माण करती है। मुख्य रूप से हिमानी के द्वारा दो प्रकार की घाटियों का निर्माण किया जाता है, यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी जब हिमनद पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरते हैं तो तीव्र ढाल वाली जिनका आधार सपाट और चौरस है ऐसे यू आकार के अक्षर के यू अक्षर के समान स्थल आकृति या घाटी का निर्माण करती है, जिसे हम यू आकार की घाटी के नाम से जानते हैं। दूसरी है लटकती घाटी। जब मुख्य हिमनद में से अन्य कोई हिमनद पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरते हैं तो दिखने में लटकते हुए प्रतीत होते हैं, तो ऐसी घाटियों को हम लटकती घाटी या हैंगिंग वैली के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा सर्ग। जो दूसरी स्थल आकृति है उसमें है सर्ग। किसे कहते हैं सर्ग? देखिए सर्ग से तात्पर्य यह मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद निर्मित स्थल आकृतियों में एक महत्वपूर्ण स्थल आकृति है। इसका आकार मुख्य रूप से अर्धवृत्ताकार। कैसा होता है? अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार या कटोरे के समान। किस प्रकार की स्थल आकृति है? अर्धवृत्ताकार या कटोरे के समान। तो सर्ग मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद निर्मित स्थल आकृतियों में एक महत्वपूर्ण स्थल आकृति है, जिसका आकार अर्धवृत्ताकार या कटोरे के समान होता है। यह मुख्य रूप से दिखने में यह आराम कुर्सी जैसी प्रतीत होती है, जैसे कि आरामदायक जो कुर्सी होती है उसके समान दिखाई देती है, आरामदायक कुर्सी के समान। प्रतीत होते हैं जो सर्प होते हैं अर्धवृत्ताकार कटोरे के समान, दिखने में यह आरामदायक कुर्सी के समान प्रतीत होते हैं। किस प्रकार से बनते हैं ये देखिए। जब हिमानी यानी कि जब हिमनद पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरते हैं तो अपने साथ
चट्टानी टुकड़ों को तोड़कर लाते हैं जिससे एक विशाल गर्त का निर्माण होता है इसे ही सर्प कहते हैं। एंकी जब हिमनद पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की ओर उतरते हैं तो अपने साथ चट्टानी टुकड़ों को तोड़कर लाते हैं और जहां से चट्टान टूटती है वहां पर एक विशाल गर्त का निर्माण होता है। इन गर्तों को ही हम सर्प के नाम से जानते हैं। तो देखिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है हिम क्षेत्रों में और जैसे ही हिमानी नीचे की ओर बह रही है हिमनद, तो यहाँ से कोई चट्टान को तोड़ करके और आगे की ओर बढ़ते हैं तो जिस स्थान पर जहाँ पर चट्टान टूटती है वहां पर एक गड्ढे का निर्माण होता है। इस गड्ढे को ही किस नाम से जानते हैं? सर्प के नाम से जानते हैं। और जब कभी भी वर्षा का जल इन गड्ढों में एकत्रित हो जाता है तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है और इस झील को हम टार्म झील या सर्प झील के नाम से जानते हैं। टार्म या सर्प झील के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे हम सर्प कहते हैं। अगली है हॉर्न या गिरिशृंग। हॉर्न या गिरिशृंग किसे कहते हैं? हॉर्न या गिरिशृंग, तो जब हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है तो किसी भी पर्वत के या पहाड़ के पार्श्वों पर दोनों ओर सर्पों का निर्माण करती है। जब किसी पहाड़ी के पास के दोनों किनारों पर सर्पों का निर्माण होता है ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है, इसके दोनों किनारों पर सर्प का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप अपघर्षण की प्रक्रिया के दौरान ये दोनों पास एक दूसरे से पीछे हटने लगते हैं जिसके कारण बीच का भाग जो मध्य वाला भाग है ये यहाँ पर एक नुकीली चोटी का निर्माण होता है। इसे हम हॉर्न या गिरिशृंग के नाम से जानते हैं। तो किसे कहते हैं? हॉर्न या गिरिशृंग। जब किसी पहाड़ी के दोनों पार्श्वों पर सर्पों का निर्माण होता है और सतत अपघर्षण के कारण ये पार्श्व एक दूसरे से पीछे हटने लगते हैं, परिणाम स्वरूप एक नुकीली चोटी का निर्माण होता है। इसे हम हॉर्न या गिरिशृंग के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से जो आल्पस पर्वत का मैटरहॉर्न है इसी का ही उदाहरण है और यही नुकीली चोटी है, इस चोटी को ही हम हॉर्न या गिरिशृंग के नाम से जानते हैं। पहाड़ी के दोनों पास आपस में सड़क रहे हैं और यहाँ सर्पों का निर्माण हो रहा है तो इसे मध्य वाला जो भाग है यहाँ पर एक नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिसे हम हॉर्न के नाम से जानते हैं। अगली है हमारी आरेत या तीक्ष्ण कटक। आरेत या तीक्ष्ण कटक। आरेत या तीक्ष्ण कटक किसे कहते हैं? देखिए इनका आकार आरे या कंघी के समान होता है। जब किसी पहाड़ी के या हिमानी के पहाड़ी के मुहाने पर दो या दो से अधिक सर्पों का निर्माण हो जाता है तो ये सर्प आपस में एक दूसरे से सतत संचयन के कारण सरकने लगते हैं और सरकने के परिणाम स्वरूप मध्य का भाग नुकीला हो जाता है और नुकीला होने के परिणाम स्वरूप एक आरे या कंघी नुमा आकृति बनती है जिसे हम अरेत या तीक्ष्ण कटक के नाम से जानते हैं। किस प्रकार की स्थलाकृति बनती है? ये बीच वाला भाग भी नुकीला हो जाता है जिससे दिखने में ये आरे या कंघी के समान दिखाई देता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अरेत या तीक्ष्ण कटक के नाम से
जानते हैं। और इसके मध्य वाला जो बीच वाला भाग है, यहाँ पर आने जाने का मार्ग बन जाता है। बीच वाले भाग में बिल्कुल खाली भाग है, यहाँ से आने जाने का जो मार्ग बन जाता है, जिसे दर्रा या कौल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? दर्रा या कौल। यानी आले के तीक्ष्ण कटक के मध्य वाले भाग में आने जाने का जो मार्ग बन जाता है, उस मार्ग को दर्रा या कौल के नाम से जाना जाता है। अगली स्थल आकृति है हमारी स्रग व पुच्छ। स्रग व पुच्छ किसे कहते हैं? स्रग व पुच्छ। जब हिमालय निर्मित क्षेत्रों में कोई ज्वालामुखी से निर्मित, यानी कि ज्वालामुखी से निर्मित कोई चट्टान गांठ के रूप में पाई जाती है, तो हिमानी के द्वारा उसके सामने वाले ढाल का अपादन तीव्र गति से, यानी कि जो कोमल भाग होते हैं उनका तो अपादन शीघ्र हो जाता है, जो कठोर भाग होते हैं उनका अपादन कम होता है। तो यानी कि हिमानी के मार्ग में जब कोई ज्वालामुखी से निर्मित गांठ के रूप में कोई चट्टान पाई जाए, कठोर और मुलायम चट्टान, तो मुलायम भाग का अपादन शीघ्र कर दिया जाता है, जिससे सामने वाला जो ढाल है वो तीव्र हो जाता है और मंद जो पीछे वाला भाग है वो मंद होता है, जिसके कारण सामने वाले भाग को स्वर के नाम से जानते हैं और पीछे वाले भाग को पुच्छ के नाम से जानते हैं। देखिए, ये कोई ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान है, ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान है, ये कोई हिमप्रवाहित हो रही है हिम क्षेत्रों में इधर से। जब हिमालयी क्षेत्रों में हिम के द्वारा मुलायम चट्टान का तो अपादन कर दिया जाता है और जो पीछे वाला भाग है ये कठोर चट्टान के रूप में, तो यहाँ पर अपादन अधिक होने के कारण ये वाला भाग तो कैसा हो जाता है? तीव्र ढाल वाला, जबकि ये मंद ढाल वाला, यानी सम्मुख भाग तीव्र ढाल वाला और विमुख ढाल है वो मंद ढाल वाला होता है। तो इस भाग को हम स्रग के नाम से जानते हैं और इस वाले भाग को हम पुच्छ के नाम से जानते हैं। यानी कि हिमालयी क्षेत्रों में जब कोई ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान गांठ के रूप में पाई जाती है, तो हिमानी के द्वारा सामने वाले भाग का जो कोमल भाग है उसका अपादन तीव्र गति से कर दिया जाता है, जबकि पीछे वाले भाग का अपादन कम होता है, जिससे सामने वाला ढाल तीव्र और पीछे वाला भाग मंद होता है, जिसे हम स्रग और पुच्छ के नाम से जानते हैं। अगली स्थल आकृति है हमारी मेषपीठ शिला। मेषपीठ शिला या इसे हम भेड़पीठ शिला भी कहते हैं। किसे कहते हैं मेषपीठ शिला या भेड़पीठ शिला? हिमालयी क्षेत्रों में कुछ ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जो दूर से देखने में मुलायम ऊन वाली भेड़ के समान प्रतीत होती हैं। हिमालयी क्षेत्रों में कुछ ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जो दूर से देखने में मुलायम ऊन वाली भेड़ के समान प्रतीत होती हैं। इन स्थल आकृतियों को 1804 में डी सार्चर नामक विद्वान ने इनका नाम दिया था, रॉस मुटे ने। क्या नाम दिया था? रॉस मुटोने। किसने दिया था? डी सार्चर नामक विद्वान ने इस प्रकार की स्थल आकृतियों को रॉस मुटोने नाम दिया था। और ये कैसी दिखती है? जैसे मुलायम ऊन वाली भेड़ बैठी हुई हो। इस प्रकार की स्थल आकृतियां होती हैं, जिन्हें मेषपीठ शिला या भेड़पीठ शिला कहते हैं। क्योंकि जब हिमानी के मार्ग में कोई कठोर चट्टान आती है और कठोर चट्टान के कारण, देखिए, इस प्रकार की स्थल आकृति होती है, यह हिम प्रवाहित हो रही है। हिमानी के मार्ग में जब कोई कठोर चट्टान आती है तो सामने वाला जो ढाल है वो न्यून और मुलायम ढाल बन जाता है, जबकि विपरीत भाग में जो पीछे वाले भाग में उत्पाटन क्रिया के कारण कुछ खरोचे बन जाती हैं। तो इस प्रकार की स्थलाकृति दूर से देखने में ऐसी दिखाई देती है मानो
कोई मुलायम ऊन वाली भेड़ बैठी हो, इसीलिए इस प्रकार की स्थल आकृति को क्या कहते हैं, मेष पीठ शिला या भेड़ पीठ शिला के नाम से जानते हैं। और 1804 में डी सासर नामक विद्वान ने इसका क्या नाम दिया, लॉस मुटोने। इसके बाद आती है हमारी नूनाटक। अगली स्थल आकृति है नूनाटक, इसे हिमद्वीप भी कहते हैं, इसे हिमद्वीप के नाम से भी जानते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचे उठे हुए टीले, इनकी विस्तृत हिम क्षेत्रों में ऊंचे उठे हुए टीले जो चारों ओर हिम से घिरे हुए होते हैं, ऐसे टीलों को हम नूनाटक के नाम से जानते हैं। इन्हें हिमद्वीप भी कहते हैं क्योंकि चारों ओर हिम से घिरे हुए रहते हैं, इसीलिए इन्हें हिमद्वीप कहते हैं। और ये चारों ओर विस्तृत रूप से हिम से घिरे हुए ऊंचे टीले होते हैं, इसलिए इनका क्या नाम है, नूनाटक। इसके बाद आती है हमारी अपधनात्मक स्थल आकृतियों में दैत्याकार सोपान। दैत्याकार सोपान किसे कहते हैं, दैत्याकार सोपान। जब हिमानी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है तो कई सड़कों का निर्माण करती है और ये सड़क सतत रूप से श्रृंखलाबद्ध रूप से होते हैं। हिमानी जब पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है तो सतत या श्रृंखलाबद्ध रूप से सड़कों का निर्माण करती है। इन सतत श्रृंखलाबद्ध जो सड़क होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कल्पों के द्वारा, किसके माध्यम से, कल्पों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। किसका निर्माण करती है, सतत सड़कों की श्रृंखला का। और ये सर्क किससे जुड़े हुए होते हैं, कल्पों के माध्यम से, कल्पों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। और इस प्रकार से एक सीढ़ी नुमा आकृति बनती है जिसे हम दैत्याकार सोपान के नाम से जानते हैं। देखिए किस प्रकार की स्थल आकृति बनती है, स्थलाकृति बनती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार से हिम चलती है और यहाँ पर कल्पों के द्वारा आपस में ये जुड़े हुए हैं। एक किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, कल्पों के माध्यम से एक सीढ़ी नुमा आकृति बनती है, इसे हम दैत्याकार सोपान के नाम से जानते हैं। विशाल आकृति से हम इसे किस नाम से जानते हैं, दैत्याकार सोपान के नाम से जानते हैं। और इन सड़कों पर मुख्य रूप से जब कभी वर्ष हिम पिघलने के कारण जल जमा हो जाता है तो जमा होने के कारण झीलों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों को पैटानास्टर झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैटानास्टर झील। दैत्याकार सोपान में जब हिम के पिघलने से जल जमा हो जाता है तो यहाँ पर झीलों का निर्माण होता है जिन्हें हम पैटानास्टर झील के नाम से जानते हैं। ये हिमानी के द्वारा निर्मित जो अपधनात्मक स्थलाकृति है, हिमानी द्वारा दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है जिनके अंतर्गत दो प्रकार की अपधनात्मक है और दूसरी है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। और हमने अध्ययन किया है अपधनात्मक स्थलाकृतियों का, यानी कि हिमानी के द्वारा जब हिम क्षेत्रों में अपधन के दौरान जिन स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन्हें हम अपधनात्मक स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। और हमने आज की वीडियो के अंतर्गत अध्ययन किया है अपधनात्मक स्थलाकृतियों।